अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताबेश और आप लोग देख रहे हैं देन मेंशन लैब। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग यूट्यूब के एडसेंस से या फिर गूगल एडसेंस से किससे ज्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और मंथली $500 या इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता रहा था कि यूट्यूब के आप लोग अर्निंग कैसे करते हैं। यूट्यूब के दोस्तों अर्निंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तो होता है आपका यूट्यूब एडसेंस, यानी कि यूट्यूब पे आपकी वीडियोस पे एड्स चलती हैं और आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब का जो वो मोनेटाइजेशन इनेबल करने का थ्रेशोल्ड है वो कम से कम 4000 वॉच आवर्स है और 1000 सब्सक्राइबर है। 1000 सब्सक्राइबर तो कोई भी पूरे कर सकता है, लेकिन जो वॉच आवर्स है बहुत ही मुश्किल से लोगों को मिलते हैं और जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं वो पीछे रह जाते हैं और अपने चैनल को बंद कर देते हैं। और जो बड़े यूट्यूबर से उन्हीं को अप्रूवल मिल जाता है, किसी को भी अप्रूवल नहीं मिलता। तो इस वजह से यूट्यूब इसलिए आज से थोड़ा सा आपको गूगल एडसेंस से कम अर्निंग देते हैं। अगर आप लोग यूट्यूब पे एड्स के अलावा अर्निंग करना चाहते हैं तो मैं आपको दूसरे तरीके बता दूँ। पहला तरीका है कि आप लोग जो है अपनी, जैसे कि आप लोग किसी वेबसाइट की वीडियो बनाए, कुछ वेबसाइट है जो आपको उनकी वीडियो बनाने पे करती है, अगर आप लोग उनकी वीडियोस बनाते तो आपको अर्निंग होगी। दूसरा, आप लोग यूट्यूब पे भी अफिलिएट प्रोग्राम जो है इनेबल कर दे, यानी कि आपने दराज से या अलीबाबा किसी भी आपने अफिलिएट का अप्रूवल लेना है। अप्रूवल लेने के बाद आपने बस जो है लोगों को किसी भी, अगर आपने वीडियो बना ली कि हाउ टू मेक सोलर पैनल या इस तरह से जो भी, तो उसके अंदर चीजें रिक्वायर होंगी ना, आपने उनका लिंक अगर आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और वो लिंक आपका अफिलिएट का हो गया, तो आप अगर किसी ने जाके उसको परचेज कर लिया तो आपको जो है उसका हाफ प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो ये अफिलिएट प्रोग्राम जो आप लोग इससे भी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गए दो तरीके यूट्यूब के अर्निंग के। उसके अलावा दोस्तों आप लोग अगर गूगल एडसेंस से अर्निंग करना चाहते हैं तो गूगल एडसेंस के लिए आपको चाहिए होती है वेबसाइट। वेबसाइट के अलावा आप लोग गूगल एडसेंस से अप्रूवल नहीं करता, अर्निंग नहीं कर सकते सॉरी। अब गूगल एडसेंस जो है अप्रूवल आपको दे तो देता है आसानी से, लेकिन उसका CPM बहुत ही कम होता है। कम से कम आपको $1000 पे $1 या $1.5 देता है 1000 व्यूज के ऊपर। और वेबसाइट के लिए ट्रैफिक जनरेट करना कोई ईजी काम नहीं है, बहुत टाइम लगता है लोगों को वेबसाइट के लिए ट्रैफिक जनरेट करने में। इस वजह से गूगल एडसेंस जो है इतनी अच्छी आपको अर्निंग नहीं देता। उसके अलावा अगर आप लोग YouTube की अर्निंग पे चाहते हैं तो आपकी अर्निंग अच्छी हो सकती है अगर आपकी मोनेटाइजेशन इनेबल है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को हर वीडियो से ज्यादा पैसे हैं, तो आपने करना है कि कम से कम आपने जो है हफ्ते के अंदर कम से कम अपनी 5 वीडियोज डालनी है। 5 वीडियो में से कोई एक तो आपकी वीडियो हिट होगी जिसमें 1000-500 जितने भी व्यूज आएंगे तो आपकी अर्निंग होगी। गूगल एडसेंस में क्या है, आप लोग एड्स बेस करेंगे, ट्रैफिक नहीं है, फायदा नहीं है, अर्निंग नहीं होगी। तो इस वजह से जो है गूगल एडसेंस जो है इसलिए आज से बेहतर नहीं है। तो यूट्यूब के अंदर जो है एक और मसला है कि यूट्यूब 32% जो आपकी अर्निंग है वो रख लेता है और 68% आपको देता है। तो अगर बचता है कि आपने अगर $100 कमाया तो आपको जो है कम से कम $70 या ऐसे थोड़े कम मिलते हैं और बाकी जो डॉलर है वो यूट्यूब के पास चले जाते हैं। गूगल एड का भी यही है, गूगल एड लेकिन थोड़ा कम रखता है, गूगल एडसेंस कम से कम 28% रखता है और आपको जो है 72 या जितनी परसेंट बनता है वो आपको मिल जाता है। तो इसलिए आज से जो है ये दोनों के दो डिफरेंसेस है और ये लोग जो है इस तरह से चल रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग ये वेबसाइट है तो आप लोग जरूर से गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेंगे, क्योंकि वेबसाइट को जो है वो वेबसाइट को ट्रैफिक जनरेट करने में कोई टाइम नहीं लगता। कोई एक आर्टिकल अगर आपका जो है मशहूर हो गया तो आप लोग की वेबसाइट पे जो है बहुत सारा ट्रैफिक आता ही रहेगा। और यूट्यूब के अंदर भी वीडियो अगर आप लोग प्रमोट करना चाहते हो तो आप लोग करें कि दूसरी जो पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोज पे जाए, कमेंट में लिख दें कि हमारे चैनल को प्रमोट करना है, जो भी करना चाहते हैं आप लोग हर वीडियो पे कमेंट करें। कोई ना कोई ऐसा बंदा तो होगा जो आपकी चैनल को प्रमोट करेगा और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ सकते हैं, वॉच आवर्स भी बढ़ सकते हैं और इस वजह से आपका मोनेटाइजेशन भी इनेबल हो सकती है। तो ये दोस्तों कुछ डिफरेंसेस है यूट्यूब की और गूगल एडसेंस से अर्निंग करने के। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।